हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर वर्ड्स एब्रिविएशन। दैट मीन्स कि जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी संक्षिप्त नाम होते हैं, जैसे ISP हो गया, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ठीक है ना। WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम A to Z यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड बात करने में, जो आपके हर काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो चाहे आपका MPCJ हो, जुडिशरी के एग्जाम हो, या फिर CPCT हो, या फिर किसी भी अदर कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम होता है, वहाँ पर ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये आप हमारे ये लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे शब्द संक्षेप यानी कि क्या होता है, एब्रीविएशन इसको बोला जाता है। तो जैसे कंप्यूटर में एक शब्द होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, ADC। ADC का मतलब क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 3 बार ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। समझने की बात है, यहाँ पे फुल फॉर्म रहते हैं और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है आपका ARP, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप जिसमें चाहे उसको पढ़ सकते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP का मतलब क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद है नेक्स्ट AI, यह तो आप सभी को पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ALGOL, ठीक है ना। ALG का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम, ALGO। L का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज, एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा ALU, ये तो आपको पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। API, API का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसके बाद है ARPANET, ARPANET भी आपने सुना होगा कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटवर्क है ARPANET। उसके बाद नेक्स्ट है ASCII, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ESP का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आपका आता है ATM, ATM का फुल फॉर्म क्या है, असिंक्रोनस क्रोनस ट्रांसफ़र मोड, या फिर इसको बोल सकते हैं आप ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों से कोई से भी एक ऑप्शन आपका आ सकता है, असिंक्रोनस क्रोनस ट्रांसफ़र मोड या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ए से कंप्लीट हो गया, बी से आप देखें तो जो आपका पहला है बेसिक, यानी BASIC, इसका मतलब क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी। आप देखते होंगे जब ईमेल सेंड करते हैं किसी को तो वहाँ पे एक CC का लिखा रहता है, BCC भी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो PCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया। और BMP बिट मैप, यानी कि जब आप उसे कंप्यूटर देखते हैं तो जब आप सेव करते हैं फोटोज वगैरह वाले में, इसमें बिट मैप रहता है। उसके बाद BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये एग्जाम में आया था, जुडिशरी के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। BCD स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है आपका BCR, BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, बार कोड रीडर। एक आपका होता है MICR, ठीक है ना, एक होता है आपका BCR। BCR क्या होता है, बार कोड रीडर। BD का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लू रे डिस्क, या आपका जो कैसेट वगैरह रहती है ना उससे संबंधित ये है। बिन का मतलब क्या होता है, बाइनरी। उसके बाद BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। BIOS मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B2C का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कॉमर्स। एक आपका G2C भी होता है, ठीक है ना।
एक सी टू सी भी होता है, इस प्रकार से कई यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे बी टू सी का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कॉमर्स, और बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब क्या होता है, वेब ब्लॉग यहाँ पे इसको बोला जाता है। बीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट्स पर इंच। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन इसको बोला जाता है बीपीएल। उसके बाद आता है बीपीएस, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड। बीएचआईएम भीम, भीम का क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि जो भीम आपका यूपीआई होता है ना, भीम यूपीआई वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया था। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, सॉरी। उसके बाद है सीसी, अभी हमने बताया था ब्लाइंड कॉर्नर कॉपी बीसीसी, अब यहाँ पे सीसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका सीएडी, सीएडी क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद है कोबोल, कोबोल का मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, अभी मैंने एक बताया था ब्लू रे डिस्क, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सी डैक, सी डैक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक का फुल फॉर्म होता है। ब्लू रे डिस्क का मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए, बिना पीछे देखे हुए जो मैंने बताया उसको बिना देखे बताइए, ठीक है। ये हो गया आपका सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीआरटी, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है ये, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीपीयू और सीआरटी। उसी प्रकार सीएसएस, सीएसएस का मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, आप हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सी यू। अभी सी पी यू का हमने देखा था, अब यहाँ पे सी यू, सी यू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, जहाँ से पूरा कंप्यूटर आपका कंट्रोल होता है। सी टी सी पी, सी पी सी टी नहीं, सी टी सी पी, इसका मतलब होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। सी डी आर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सी डी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सी डी रोम, सी डी रोम का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का भी सिर्फ यहाँ पूछा जा सकता है, अगर सी डी ना देके सिर्फ रोम दे देता है, इसका मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, या दूसरा होता है रैम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म। तो सी डी आर डब्ल्यू, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सी जी, सी जी का मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है। उसके बाद सी जी आई, सी जी आई इसका मतलब क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये पूरा हम दो पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है ना, आज पहला पार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम दूसरा पार्ट लाएंगे, ठीक है, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। उसके बाद नेक्स्ट है सी एल आई, कॉमन कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस सी एल आर, सी एल आर का मतलब क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रूटीन, ठीक है ना, ये रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यहाँ पे होता है। सी डी एम ए, सी डी एम ए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये पूरा सी का जितने भी फॉर्म रहते हैं उसको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अगर कोई छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की कमी नहीं है, कई सारे शॉर्ट फॉर्म हैं, आप लिखते लिखते थक जाएंगे, इतने शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने मेन मेन यहाँ पे रहता है पूरा हम यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट बात करें डी से, तो सबसे पहला आता है डैक, यानी कि डी ए सी, इसका मतलब क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। अभी सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ए डी सी हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या है, डी ए सी है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को यहाँ पे बताया जा रहा है, और वहाँ पे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बताया गया था।
उसके बाद डीबी का मतलब डाटाबेस, और डीबीए का मतलब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीएमएस ठीक है ना, ये पूरा डीबी से ही रिलेटेड है। डीबी का मतलब डाटाबेस, डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए का मतलब क्या होता है डाटा, सॉरी डीबीएमएस का मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस जो होता है उसको पूरा मैनेज करने का जो तरीका होता है, पूरा सिस्टम यहाँ पे डीबीएमएस बोला जाता है। डीसीएल, डीसीएल का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो डीडीएल, डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएफटी डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफटी डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफएस, डीएफएस का मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। उसके बाद है डीएचटीएमएल, डीएचटीएमएल का मतलब क्या होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है एचटीएमएल ठीक है ना, यहाँ पर डी को छोड़ के एचटीएमएल भी दे सकता है। एचटीएमएल का मतलब क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे होता है। और एक होता है एचटीटीपी ठीक है ना, एक एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे बताया गया है। ये काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है एचटीएमएल और एचटीटीपी में ठीक है, तो याद रखिएगा। डीएमएल, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीएनएस, डीएनएस का मतलब क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस को होता है। डीपीआई का मतलब क्या होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच यहाँ पे होता है। उसके बाद डी रैम, डी रैम का मतलब क्या होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस, हमने पढ़ा था अभी डी रोम ठीक है, यहाँ पे क्या है डायनेमिक रैंडम एक्सेस है यहाँ पे। और डी एस एल, डी एस एल का मतलब क्या होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर इसको बोल सकते हो आप डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, दोनों में से कोई भी एक दे सकता है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़े डी टी पी, डी टी पी का मतलब क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पे काफ़ी एग्जाम में जो पूछा जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क काफ़ी बार पूछा जाता है ठीक है ना, डिजिटल वीडियो डिस्क बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आप इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको यहाँ पे ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद डीवीडी डी आर, डीवीडी डी आर का मतलब क्या होता है डीवीडी रिकॉर्डेबल, यहाँ पे डीवीडी री राइटेबल पढ़ा था हमने, अब यहाँ पे क्या है रिकॉर्डेबल है ये। उसके बाद डीवीडी रोम, डीवीडी रोम का मतलब क्या होता है डीवीडी रीड ओनली मेमोरी ठीक है। उसके बाद डीवीडी आर डब्ल्यू यानी कि डीवीडी री राइटेबल हो गया। उसके बाद है डीवीआर, डीवीआर का मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अब यहाँ पे ई से स्टार्ट हो गया है, डी से वो खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे ई से क्या है ई बी सी डी आई सी, ई बी सी डी आई सी इसका मतलब क्या है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आप इसको दो तीन बार जरूर सुनिएगा, आपको ये जरूर याद हो जाएगा ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे आप अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर और भी जो बहुत सारी जो वेबसाइट साइट्स रहती हैं शॉपिंग के लिए, जो ऑनलाइन आप सामान मंगाते हैं उसको बोला जाता है ई कॉमर्स ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है ई डी पी, ई डी पी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ई डी एस एस ई इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। उसके बाद है नेक्स्ट ई पी रोम, ई पी रोम का मतलब क्या होता है इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी ई ई पी रोम। ई ई पी रोम का क्या मतलब होता है पहले आपने पढ़ा ई पी रोम, अब ई ई पी रोम डबल ई यहाँ पे आ गया, तो सबसे पहले आपने पढ़ा इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रिकली और जोड़ दिया गया। ईमेल का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एनी एक अभी आपने एक पढ़ा था आर्पानेट ठीक है ना, अब यहाँ पे एनी एक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
उसके बाद ईओएफ इंड टू ऑफ फाइल, उसके बाद ईएक्सई एग्जीक्यूटिवल, ये आप जब फाइल का एक्सटेंशन होते हैं ठीक है ना, ई डॉट ईएक्सई रहता है ठीक है ना, एक्सेल का कुछ और रहता है, तो हर चीज़ का जो भी पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, सब में कुछ न कुछ एक्सटेंशन रहते हैं लास्ट में। उसके बाद ईडीआई, ईडीआई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। उसके बाद ये ई से ख़त्म हो गया, एफ से स्टार्ट हुआ फैट, फैट का मतलब क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। फैक्स, फैक्स का मतलब क्या होता है, फॉर अवे जीरोक्स या फिर फैसीमाइल। उसके बाद FDC, FDC का मतलब फुल फॉर्म क्या है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका FDD, FDD का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद फोरट्रेन, फोरट्रेन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद FTP, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है FXP, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। FLOPS यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। उसके बाद जी से, जी से यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आ रहे हैं आने वाले, जी यानी GB यानी गीगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट ठीक है ना, गीगा बिट। यहाँ पे GB, और यहाँ पे B जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, स्मॉल में है तो बिट माना जाएगा। बी स्मॉल बी का मतलब क्या होता है, बिट, और जो कैपिटल में बी लिखा जाता है उसका क्या बोला जाता है, बाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे GB जो स्मॉल बी है तो वहाँ पे गीगा बिट होगा, और कैपिटल में है तो गीगा बाइट होगा। GIF, GIF का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ठीक है। उसके बाद गीगो यानी GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट ठीक है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GPU, अभी अपने CPU पढ़ा था, ये GPU है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM आपने मोबाइल सेटिंग्स में GSM सब जरूर देखा होगा ठीक है ना, जब सिम की सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे रहता है, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ये यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद HLL, हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है HPFS, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव ठीक है। उसके बाद HSM, हायरार्किकल स्टोरेज मैनेजमेंट ठीक है। HTML, HTML मैंने स्टार्ट बीच में बताया था मैं आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। HTTP भी बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो जाता है ठीक है ना, कि दोनों सेम लगते हैं, HTML HTTP ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसमें कंटिन्यू करना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।